सो गाइज, ये है हमारा कुछ रूम और आई थॉट ऑफ, मतलब कहीं से इंस्पिरेशन मिला मुझे, इट्स ट्रू लिविंग। उसका एक अलमारी देखा, वो रिसेंटली अभी मुझे एक फ़ोटो भेजा था अपना अलमारी का, दैट उसने हेलमेट, जैकेट और जूता सजाया है अलमारी में। सो मेरे भी दिमाग में ये आइडिया आया उसको देख के, दैट ये मेरा एक अलमारी है जो मतलब बेकार पड़ा हुआ रहता है, इसको कुछ यूज़ नहीं करते हम। तो आई थॉट ऑफ कि ये तो ब्राउन है तो मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो ये स्टिकर का हेल्प ले रहा है अभी हम, इसमें वाइट बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है। पूरा ये जितना भी है पूरा फिल करेंगे इसको वाइट बैकग्राउंड से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना हेलमेट, जैकेट एंड शूज़ का एक अच्छा सा सेटअप बनाएंगे। मेरे पास एक और अलमारी भी है बट उसमें इतना सारा स्पेस नहीं है, उसमें हम इतना सारा स्पेस बनाया नहीं है, तो एक मेकओवर कर रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ कि चलो वीडियो बना लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स कंप्लीट दिस थिंग। स्टार्ट तो हो गया, ऊपर में लगा दिया मैंने, पीछे लगा दिया, ये भी लगाना बाकी है, तो कंप्लीट करते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये चीज ना बहुत डेंजरस है भाई, हाथ में ना पूरा चिपक जा रहा है। अयो शक्रा, बट द गम इज रियली नाइस, हालो अब स्टिक है। मार बाड़े पाना नहीं, हाँ तो उसके लिए फसल में बन जाता। अभी मावी को लग रहा है हम उसके लिए घर बना रहा है अलमारी में, बहुत खुश हो रहा है, देखो बहुत खुश हो रहा है वो, बट उसको क्या पता हम हेलमेट रखने के लिए ये सब जगह बना रहे हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, माय रूम इज अ मेस। इस रूम में हम सोता नहीं है, बाद बाकी सब कुछ करता है, एडिटिंग बोलो, शूटिंग बोलो, रेडी होना बोलो, ये सब कुछ हम इस रूम में करते हैं, सिर्फ हम सोता नहीं है। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर इस रूम में थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए तो हम इस रूम में सो सकते हैं। सो द प्लेस इज रेडी, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मुझे, और मेरा जितना भी अभी राइडिंग गियर्स है और हेलमेट है, आई थिंक मुझे एक बड़ा जगह लेना पड़ेगा फॉर दैट। बट अभी के लिए यहाँ पे जो तीन जैकेट है, एक स्केला का, एक डीएसजी का, एक काइची का, ये तीन जैकेट हमने रख दिया है। उसके साथ ये राइनोक्स वाला पैंट, राइडिंग पैंट, ये हम यहाँ पे रखते हैं, और इसके साथ हमारा एक जीन्स जो है ये, ये कोमिनी का राइडिंग जीन्स। सो ये राइडिंग जीन्स भी हम लोग यहाँ पे डालते हैं। अब आई थॉट ऑफ कि यहाँ पे हेलमेट रखा जा सकता है, बट जैकेट और पैंट में पूरा फिल हो गया, अब हेलमेट यहाँ पे कैसे रखे? एक तो रखते हैं पैंट ऊपर, जूते रखा जाएगा अपना। पैंट के ऊपर हम लोग ये ग्लव्स रख सकते हैं, सी दीज आर माई राइनोक्स लेदर ग्लव्स, ये रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो दो कैजुअल ग्लव्स हैं, एक रॉयल इनफील्ड का और एक डिकैथलन का, वो भी हम लोग रख सकते हैं। बट हेलमेट कहाँ रखे यार, हेलमेट के लिए ये नीचे वाला जगह बनाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे तीन हेलमेट आ जाएगा, सो आई हैव टू क्लियर दिस थिंग आउट, और यहाँ पे तीन हेलमेट रख सकते हैं हम लोग, वी कैन डू दैट थिंग, बट थोड़ा सा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। सो एक जुगाड़ हम लोगों ने लगा लिया है, जैकेट के पीछे वाला जो जगह है ना, इसको यूज़ करने के लिए हमने अपना जो टीरेक्स का शूज़ है वो रख दिया यहाँ, और ये जैकेट पूरा कवर हो जा रहा है। सो इट्स अ क्लीन एंड नाइस सेटअप। अब हेलमेट के लिए एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तब तक आप लोग वीडियो देखो। सो अभी हमने जुगाड़ कर लिया है, ये वाला स्पेस भी हमने खाली कर दिया, एंड अब ये वाले स्पेस में हम अपना हेलमेट रखेंगे। अरे बॉस, सो लुक एट दिस गाइस, क्या लग रहा है, लुकिंग नाइस।
बट आई डोंट थिंक कि मेरा तीनों हेलमेट का जगह यहाँ पे होगा, मुझे डाउट हो रहा है। लेट्स सी, ये हेलमेट घुसा देते हैं। एक ग्रीन हेलमेट टेस्ट। देखो नहीं होगा दादा। ग्रीन हेलमेट टेस्ट। व्हाट हैपेंस सो वी कैन डू वन थिंग, भाई दिमाग में बहुत सारा जुगाड़ है, वी कैन डू वन थिंग, नीचे में हम दो हेलमेट रख देंगे। वी कैन डू दिस कि ये मेरा HGC वाला और KYT वाला जो हेलमेट है, वी कैन कीप इट लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके अब यहाँ पे इस दो हेलमेट के अलावा और कुछ हम नहीं रख सकते, सो वी कैन कीप सम गैजेट ऑफ आवर्स लाइक GoPro एंड ऑल, यहाँ पे थोड़ा बहुत रख देंगे तो ये जो स्पेस है ना ये यूटिलाइज हो जाएगा। एंड LS2 वाला हेलमेट जो है ये तो हम रेगुलरली यूज़ करता है ये वाला हेलमेट, एंड ये हेलमेट का ना अभी एक्सपायरी डेट भी आ गया है, सो आई हैव टू कीप दिस हेलमेट एट होम ओनली, या फिर सिटी राइड कर सकते हैं। मेरा पहला हेलमेट है एंड बहुत स्पेशल पर्सन ने ये हेलमेट मुझे गिफ्ट किया था, सो इसका एक्सपायरी डेट आ गया है, बट आई एम गोना कीप दिस हेलमेट। कभी कभी इसको पहन के हम लोग सिटी राइड करेंगे फॉर श्योर, एंड इसमें जो हमने एक ग्राफिक बनाया था ये भी मेरे बाइक के साथ टोटली मैच करता है। सो ये हेलमेट हम यहाँ पे रख देते हैं as for now, so this helmet is looking good here, and gloves ये side में हम रख देंगे ताकि space थोड़ा सा utilize हो जाए, और एक दो gloves है मेरे पास, ये gloves है Royal Enfield का, but इसका रॉयल एनफील्ड हम फाड़ दिया है बिकॉज इट डजेंट लुक गुड। ये एक ग्लव्स है फॉक्स का, ये ग्लव्स हम पहन के ज़्यादा निकलते ही नहीं है, सिर्फ फोटोशूट करते हैं इसको पहन के, बिकॉज ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। सो वी कैन कीप दिस ग्लव्स हियर, अच्छा नहीं लग रहा, वी कैन कीप दिस ग्लव्स हियर। और जो LS2 वाला हेलमेट कवर है वो जैद के पास है, तो जैद को फ़ोन करके भी बोलना पड़ेगा कि भाई काम अगर हो गया है तो मेरा LS2 वाला हेलमेट का कवर वापस दे दो। ये वाला जगह तो फिलहाल सेट हो गया, नाउ आई एम थिंकिंग कि ये वाला जगह हम फिल कर दें, और ये आइडिया प्रिया ने दिया जो अभी फ़िलहाल मेरा कैमरा पकड़ के मेरा व्लॉग शूट कर रही है। सो जितना भी वहाँ पे शूज़ का रैक्स है वो सब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो चलो शिफ्ट करके देखते हैं। एज यूजुअल गाइज मेरे पास बहुत सारा शूज़ है, दे आर मेनी शूज़, बहुत सारे शूज़ हैं, तो शूज़ का भी एक जुगाड़ हम लोगों ने लगाया है। लेट्स सी अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बाय द वे ये वाला हेलमेट, सॉरी ये वाला अलमारी ना मेरा पूरा बंद भी नहीं होता, देखो ये बंद किया एंड खुल जा सिम सी। ओके लेट्स मूव द शू रैक हियर, इतना कपड़ा है ना भाई क्या बताया, ओफ 50 रुपया में सेल कर दो। नाइस लुकिंग, नाइस मैन, ये अच्छा लग रहा है इधर, अब इसको थोड़ा झाड़ना पड़ेगा, झाड़ने के लिए आई हैव टू कॉल सुबाना आंटी, वो झाड़ देंगी ये जगह, बट उससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा साफ सफाई करके इसके ऊपर और एक शू रैक चढ़ा देते हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। अरे ये हाइड्रेशन बैग तो हम भूल गया, ये हाइड्रेशन बैग हम बाय किया था अपने राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट के साथ, स्केला का जब राइडिंग पैंट लिया था, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, बैग तो यूज़ कर रहा हम बट इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, बिकॉज अभी तक हम लॉन्ग राइड किए ही नहीं, क्या पता भाई लॉन्ग राइड होगा कि नहीं होगा मेरे से, आई रियली डोंट नो।
और जब काम आएगा काम आ जाएगा, जब लॉन्ग राइड करेंगे तब काम आ जाएगा। और कितना ही कन काके कुकी कुकी को अच्छा स्ट्रगल। सो ये हमारा सेकंड रैक ऑफ शूज है। बाद बाकी ये जो साइड में डब्बे देख रहे हो ना, सब में ये डब्बे में भी शूज ही शूज है, कोई भी डब्बा खाली नहीं है अगर आप सोच रहे हो तो। बिकॉज ये रैक में जितना शूज है इसका सब बॉक्स हमने फेंक दिया है, कुछ कुछ बॉक्स ऊपर में रखा हुआ है, बट वो सब डब्बे में भी शूज है। बिकॉज मुझे और ऐसा रैक नहीं चाहिए वरना मेरा पूरा रूम भर जाएगा रैक से। सो लेट्स बिस्मिल्लाह बाहुबली तोड़ दे दुश्मन की गर्ल्स। लेट्स कीप दिस हियर। ओह लेट्स गो। सो ये कुछ हमारा सेटअप हो गया। इधर देखो ये शूज वो ये शूज, बट फिर भी मेरे पास जगह कम है गाइस, क्योंकि ये नीचे में भी शूज है। क्या बताएं, ये सब तो यहाँ पे सजा के रखना पड़ेगा। सो ये है हमारा कुछ फाइनल सेटअप, यहाँ पे पूरा क्लीन अप करके हमने शूज़ का बॉक्स सजा दिया है, यहाँ पे शूज़ का टावर लग गया है अंदर में, एज यू ऑल नो द थिंग्स, जैकेट वैकेट यहाँ पे आ गया है, अंदर में हेलमेट है, अलमारी बंद नहीं हो रहा था तो जुगाड़ करके टावल लगा के हम लोगों ने बंद कर दिया है। ये जगह थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है अब। सो ऐसे ही अगर आपको व्लॉग देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। टिल देन मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।